Good morning, class 5th. How are you all? I hope everybody is fine. Okay, today I am going to tell you about the lesson 7, Diwali. Okay, here you will find two girls over here talking about on the occasion of Diwali. Everybody knows about the Diwali is the color of Diwali is the festival of lights. Okay. Find over here, Amrita. Amrita says, "Hello, how are you?" Sonia, "I am fine. How are you? Tell me, how was your Diwali?" Okay. Amrita replied, "It was very good. We enjoyed a lot. We lit up many earthen lamp." Okay. "We lit up many earthen lamps. Our homes sparkled up with lights and joys on Diwali." Okay, you have to stress on this word sparkled up. Okay, "Our homes sparkled up with lights and joys on Diwali." Again, Sonia here is telling, "Mine was great as well. First of all, we did Diwali Pujan and then we lit up many earthen lamps." Okay. Diwali Pujan and then we lit up many earthen lamps. Okay, earthen lamps, sabhi ko pata hai na, mitti ke diye hote. Sonia again asking something, "Did you burst crackers? Did you burst crackers?" Next, Amrita replied, "No, I am too afraid of doing so. Sonia again saying, "Me too. Moreover, they are not friendly to our environment also. Okay, you have to practice on this word, environment. Okay, like this way, environment. Here, accent is written over here, environment. Environment, 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 environment. Okay, environment also. They are not friendly to our environment also. Okay, next is the activity over here. In this way, you can, you have to do it with yourself. Okay, like this way, how do you use water at home? पानी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो आप इसका आंसर आप बना सकते हो खुद भी, ठीक है? तो वी यूज वाटर इन द बेथिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड क्लीनिंग द ऑल द यूटेंसिल्स ऑफ द किचन, राइट? दिस वे यू हैव टू मेक ऑल दोज आंसर. जिसका आंसर, जिस क्वेश्चन को आपको बहुत लगता है बहुत मुश्किल है, आप इसका आंसर नहीं बना सकते हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है? इसको आपको खुद से लिखिए और मुझे दिखाइएगा आप लोग. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, how can you save water? I can save water by tight the tap, okay, for preventing the dripping of the water, right? When did sun rises? Sun rises around 5:30 in the morning these days, okay. In which direction sun rises? Sun rises in the east. In which direction sun rises? In the east direction sun rises. ओके, दिस वे यू हैव टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चन. मैं सारे नहीं बताऊंगा, ठीक है? आपको खुद से करना है, क्योंकि आंसर आपको खुद से पता होना चाहिए, क्योंकि ये कॉमन चीज़ें हैं. आपको मैं अगला लेसन पढ़ा देता हूँ, ठीक है? काइट फ्लाइंग आजकल बहुत फेमस है, काइट फ्लाइंग बच्चों में, ठीक है? यहाँ पर आप देखोगे, टुडे इज़ उत्तरायण डे, इट इज़ अ हॉलीडे, ठीक है? राजेश भाई एंड सरिता बहन, बिहान एंड कविता आर एट होम. They are on the terrace. ठीक है, आरती एंड हिज फादर इमाम भाई आर ऑल्सो देयर, दे आर गेस्ट. ठीक है, नाम से ऐसा लग रहा है ये सारी गुजराती फैमिली है. तो यहाँ पर क्या, उत्तरायण डे के दिन क्या होता है, पतंग उड़ाया जाता है, जैसे हमारे यहाँ खिचड़ी को उड़ाते हैं ना मकर संक्रांति को. इस तरह से अलग अलग स्टेट में अलग अलग डे होता है जहाँ पर हम काइट फ्लाइंग करते हैं, ठीक है? तो ये मुस्लिम फैमिली है,
ठीक है, इमाम भाई नॉट अ गुजराती, ओके. अगेन द चिल्ड्रेन हैव काइट्स, दे आर मेनी काइट्स इन अ कॉर्नर, राइट. हियर यू फाइंड द इमरान भाई, क्या कहते हैं इमरान भाई, आ लुक एट द काइट्स इन द स्काई, वाइट एंड रेड एंड ग्रीन एंड येलो. सरिता बहन, ओके, वेयर इज योर काइट विहान, विहान सेज इट्स देयर, इट्स बिहाइंड द कलरफुल काइट, इट्स बिहाइंड द कलरफुल काइट. सरिता बहन, ओ यस. कविता फिर कहती है विच इज योर काइट आरिफ, आरिफ तुम्हारी काइट कौन सी है. आरिफ फिर कहता है माई काइट इज पिंक, इट हैज़ ब्लू स्ट्राइप्स, ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दिस वर्ड ब्लू स्ट्राइप्स, ठीक है, ब्लू स्ट्रिप्स एंड ब्लू स्ट्राइप्स, ठीक है. लुक इट्स देयर नियर द येलो काइट, लुक इट्स देयर नियर द येलो काइट, ठीक है. अगेन सरिता बहन, अ बिग ग्रीन काइट इज हियर. कविता, वेयर इज इट. सरिता बहन, इट्स हियर, दिस इज द स्ट्रिंग, ओके. स्ट्रिंग क्या होता है, तुम्हारा मंजा होता है, वो जो होता है ना उसको बोलते हैं. आगे आप देखोगे यहाँ पर पेज पे है राजेश भाई. कविता, इट्स अवर नेबर्स काइट, ठीक है, इट्स अवर नेबर्स काइट, नेबर्स प्लीज़ गिव इट टू सुरेंद्र, प्लीज़ गिव इट टू सुरेंद्र. कविता, हे सुरेंद्र, योर काइट इज़ हियर, टेक इट. अगेन इमरान भाई, वेयर इज़ योर काइट. कविता, कविता, इट्स देयर इन डेट कॉर्नर अंकल. ओके इमरान भाई, विच वन, कौन सा. कविता कहती है द पिंक वन. इमरान भाई, एंड वेयर इज योर स्ट्रिंग. ओके कविता, दिस स्ट्रिंग इज हियर. इमरान भाई, दिस इज़ द काइट, दिस इज़ द स्ट्रिंग, नाउ सी योर काइट इज़ रेडी, टेक इट. अब कविता, थैंक यू अंकल, लुक माई मम्मी, माई काइट इज़ गोइंग अप. ओके इमरान भाई, बी केयरफुल, द स्ट्रिंग इज़ शार्प, बी केयरफुल, द स्ट्रिंग इज़ शार्प, ठीक है. ये जो वर्ड है आपको इसे प्रैक्टिस करना है, शार्प, ठीक है. हियर इज रिटन ओवर दियर, शार्प, इट कैन कट योर फिंगर्स. नेक्स्ट इमरान भाई, नो कविता, ओके अंकल थैंक्स, ठीक है. यहाँ आपका लेसन ख़त्म हो जाता है. तो आपको जो शब्दों पे जो स्ट्रेस देना होता है, स्पेशली जो आपको नहीं आते हैं उस पे आप देखो, खास करके ये हिंदी में, जैसे हमें पढ़ना बी केयरफुल, तो आपको केयरफुल बोलना नहीं आता, तो आप देखो केयरफुल कैसे बोल सकते हैं. द स्ट्रिंग इज शार्प, ओके, इट कैन कट योर फिंगर्स, तो इट कैन कट योर फिंगर, राइट. इस तरह से आपको उन शब्दों पे जोर डालना है जो आपको नहीं बोल पाते, ठीक है. तो यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम फैमिली को दिखाया गया, दोनों एक साथ पतंग उड़ा रहे हैं, ठीक है, जो जो आपस में क्या है, अड़ोसी पड़ोसी हैं, राइट. सॉरी. तो यहाँ आपका लेसन ख़त्म हो जाता है. आपका दो लेसन मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इसमें लेसन बहुत छोटे छोटे हैं और आपका हाफ ईयरली सिलेबस भी आने वाला है, ठीक है. तो इसलिए दो लेसन का आप लोग अच्छे से सुनिएगा और प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और एक्टिविटी को आप ज़रूर कर लीजिएगा. ओके बच्चों, चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ़ यू.